हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल क्रोम में कैसे डेस्कटॉप पेज को खोलते हैं। अगर उससे पहले दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि गूगल क्रोम में पेज जो है डेस्कटॉप पेज को कैसे खोलते हैं। उसके लिए दोस्तों कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है गूगल क्रोम में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आप सर्च करिए गूगल क्रोम। यहाँ से गूगल क्रोम, यहाँ से गूगल क्रोम जैसा कि मेरे में ओपन हो चुका है। तो यह जो ऐप है गूगल क्रोम, बहुत से लोगों ने मतलब मोबाइल के साथ ही दिया होता है और बहुत मोबाइल में नहीं होता है। तो अगर जिसके मोबाइल में यह ऐप नहीं है तो यहाँ से इंस्टॉल इसको कर लेंगे। मेरे में पहले से ही दिया हुआ था और इंस्टॉल भी है, तो मैं इसको बैक हो जाता हूँ और इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जब इसको दोस्तों देखिए, जब इसको आप ओपन करेंगे और इसमें कुछ भी डाल के सर्च करेंगे, मान लीजिए हम क्रिकबज डालें और सर्च किए, तो देखिए मोबाइल में जैसे पेज खुलता है उस प्रकार से खुल करके आ गया है। और अब हमको मतलब कोई अगर डेस्कटॉप पेज पे कोई काम करना है, बहुत सारी साइटें ऐसी होती हैं जो मोबाइल पे नहीं चलती हैं, वो डेस्कटॉप पेज पे ही सही काम करती हैं। तो उसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ऊपर तीन बिंदु मतलब दिख रहा है सबसे ऊपर जहाँ पे सर्च करते हैं उसके जस्ट बगल में जो तीन बिंदु दिख रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे जब हम क्लिक कर देंगे यहाँ से, मतलब उसको ओके कर देंगे। जैसे यहाँ से देखिए इसको हमने ओके कर दिया है, तो यही पेज जस्ट तुरंत मतलब हमारा गूगल मतलब डेस्कटॉप पेज की तरह खुल गया। अब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो एकदम डेस्कटॉप मतलब यह एकदम डेस्कटॉप पेज की तरह ही खुलेगा। देखिए मतलब यह एकदम डेस्कटॉप पेज की तरह खुल गया, मतलब इस पर जो भी काम करना हो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यह काम करता है, बहुत ही अच्छा भी है। आप अगर इसको फिर से हटाना चाहते हैं, गूगल मतलब मोबाइल की तरह पेज यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और फिर यह पेज उसी तरह खुल जाएगा। देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। और फिर यहाँ से इसके मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप डाउनलोड का भी लिस्ट देख सकते हैं, ऐड टू होम स्क्रीन सेटिंग्स इसकी खोल सकते हैं, मतलब जितना भी है। और फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने।